नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त। एक छोटी सी, पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर्स, दे डिसाइड देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर्स। एफएम अलेक्जेंडर। यानी हम लोग अपना फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते, हम लोग अपना हैबिट्स को डिसाइड करते, और वही हैबिट्स हमें फ्यूचर तक लेके जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी हैबिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बोले तो हमें जिस भी फ्यूचर टारगेट्स को अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करने के दौरान हमें क्या क्या आदतें डेवलप करना चाहिए और क्या क्या आदतें हमसे दूर रखना चाहिए। कैसे पता चले कि ये आदतें हमें हमारे टारगेट तक लेके जाएंगी और ये आदतें हमें अपने टारगेट में पहुंचने के लिए बाधाएं सृष्टि करेंगी। सिंपल थिंग्स है, जो जो आदतें हमें और भी डिसिप्लिन बनाते हैं, उस जो हमारे प्री डिसाइडेड टारगेट है जहाँ पे हमें जाना चाहिए, उसके लिए जो जो आदतें हमें सपोर्टिव हो जाते हैं, यानी हम जिस दिशा में जाना चाहते उसी दिशा में जाने के लिए हमें और भी प्रेरित करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं और हमें कॉन्स्टेंटली उसी डायरेक्शन में जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऑल दोज हैबिट्स आर हमारे टारगेट में पहुंचने के लिए सपोर्टिव हैबिट्स होते हैं। और जो जो आदतें हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बाधाएं क्रिएट करता है, जैसे कि चल आज नहीं करता हूँ, आज मूवी देख के आता हूँ, कल कर लेंगे, आज तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल है, आज तो इंडिया का मैच है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आज तो ये है, आज तो वो है। यानी इमीडिएटली जो कुछ भी हमें करना या करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमारे डायरेक्शंस में यानी हमारा टारगेट को अचीव करने के रास्ते में कुछ भी सहायता नहीं करते हैं, जैसे कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैट का तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस का तैयारी कर रहे हो, आप आईआईटी के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, इन सच ए केस क्या क्रिकेट फाइनल देखना या फुटबॉल फाइनल देखना या एक कोई फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवीज देखना हमें क्या उस डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प करेंगे? अगर हेल्प करेंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे वो सब काम, नहीं करेंगे तो उसको हमें पोस्टपोन करना है, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी क्या है, क्या जो प्रायोरिटी वाला काम है उसको पोस्टपोन करके जो नॉन प्रायोरिटी वाला काम है उसको हम करने वाले हैं या कर रहे हैं? इन सच ए केस दोज हैबिट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस अचीविंग आवर टारगेट। सो यहाँ पे या क्या कहते हैं द ऑथर कि हमें अपने फ्यूचर का जो टारगेट से जो गोल से जो अचीवमेंट्स हमें करना है उसको अगर अचीव करना है तो हमें अपने आदतों पे ध्यान देना है। कौन कौन सा आदतें हमें अपने मंजिल की ओर लेके जाते हैं और कौन कौन सा आदतें हमें मंजिल के ओर जाने में बाधाएं सृष्टि करते हैं, वो सब आदतों को हमें ठंडे दिमाग से सोच समझ के
चुनना है या बाहर फेंक के रखना है। आपको अगर अपने सक्सेस अचीव करना है, देन ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज हैबिट्स जो आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा, एंड इग्नोर, अवॉइड, रेस्ट्रिक्ट, फॉरबिड ऑल दोज हैबिट्स जो आपको उस डायरेक्शन में जाने के रास्ते में बाधाएं सृष्टि करते हैं। आज की छोटी सी बात यहीं पे है, अपने हैबिट के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही हैबिट जो आपको अपने सक्सेस तक लेके जाने वाले हैं या अपने सक्सेस मिलने से आपको दूर रखने वाले हैं। धन्यवाद। अभी के लिए आप सभी का दिन स्वस्थ हो, मस्त हो और जबरदस्त हो। धन्यवाद।